नमस्कार दोस्तों, हिंदी में सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम सी पैनल की मदद से वर्डप्रेस को एक सिंगल क्लिक पे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब हम वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर थीम जो है वो हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और उस तरीके से थीम को चूज़ करके हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन होना होगा। और एडमिन पैनल में लॉगिन होने का जस्ट सिंपल एक तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट का नाम जो है उसको टाइप करें। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम टाइप किया हुआ है, उसके बाद में आपको स्लैश टाइप करना है, और स्लैश के बाद में आपको लिखना है WP फिर डैश एडमिन। ये बहुत ही सिंपल है, WP डैश एडमिन आपको यहाँ पर टाइप करना है और देन एंटर करना है। जैसे ही आप WP डैश एडमिन लिख के यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल की लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाती है। जस्ट यहाँ पर आपने जो भी एडमिन डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, अगर आपने एडमिन का नाम चेंज किया तो वो नाम यहाँ पर टाइप करना होता है, और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर दिया था। तो इस तरह से ID और पासवर्ड जब हम इसके ऊपर डाल देते हैं तो हम लॉगिन हो जाते हैं। तो दोस्तों, वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और यहाँ पर ये ही वो एडमिन पैनल है जिसमें आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके जैसी चाहें वैसी वेबसाइट और ब्लॉग बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्विक रिव्यू आपको दे देता हूँ। कुछ यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। डैशबोर्ड के अंदर सिंपल जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, यहाँ पर आप फर्स्ट पोस्ट कैसे डालेंगे, वॉट एवर इट इज़, एंड देन साइट्स को कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ एक और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये जो है डैशबोर्ड है, ओके। अब ये जो लेफ़्ट साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में जो है आपके पास होम का एक बटन है, एक अपडेट्स का बटन है, पोस्ट जो आप यहाँ पर हम पोस्ट करते हैं, अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो पोस्ट यहाँ से होते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, ऑल पोस्ट, ब्लॉग, मीडिया, काफ़ी सारे बटन से। बट इस वीडियो में हम जो है थीम स्पेसिफिक कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो ये जो अपीरियंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप अपीरियंस के ऊपर माउस कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पर थीम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर अपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो सीधे भी आपको नीचे यहाँ पर थीम का ऑप्शन आ जाएगा। तो जस्ट थीम के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही हम थीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ये डिफ़ॉल्ट दो या तीन थीम जो है वर्डप्रेस की तरफ से इंस्टॉल की हुई आती है। तो अगर हम चाहें तो इन थीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और हम नई थीम जो है वो इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड न्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस जो है वो बहुत सारी फ्री थीम्स के साथ आता है, और कुछ प्रीमियम थीम्स भी होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फ्री थीम के साथ में आपकी एक नॉर्मल, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी फ्री थीम्स जो है वो अवेलेबल है वर्डप्रेस की तरफ से, और इन थीम्स को चूज़ करके आप फ्री में इंस्टॉल करके बहुत ही इजीली आपकी एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हाई जो है ग्राफिक इंटरफेस में जाना है तो आप प्रीमियम थीम खरीद के भी वर्डप्रेस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल फ्री थीम के ऊपर चलते हैं कि फ्री थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर पॉपुलर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो
जो कुछ पॉपुलर थीम्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम का फर्स्ट इंटरफेस जो है वो किस तरीके का दिखेगा। अगर आप कोई थीम चूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील जो है वो किस तरीके का दिखेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप जब इस पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्री थीम्स के, जिसमें से कोई भी थीम और उसका लुक एंड फील अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको चूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक और ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉपुलर का ऑप्शन था, ये लेटेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ लेटेस्ट थीम जो वर्डप्रेस की तरफ से अपडेट होती है वो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर कुछ फेवरेट्स हैं, अगर आपने किसी थीम को फेवरेट में चूज़ किया है तो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी फ्री थीम अवेलेबल है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिक काम नहीं है तो आप इजीली यहाँ से फ्री थीम चूज़ करके अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल जो है मैं आपको एक ये पर्टिकुलर कोई सी भी एक थीम को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अगर आप ये थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, डिटेल्स एंड प्रीव्यू। डिटेल्स एंड प्रीव्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस थीम की पूरी डिटेल मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको इसका प्रीव्यू भी मिल जाएगा कि वेबसाइट इंस्टॉल होने के बाद में किस तरह की दिखाई देगी। तो ये यह है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है ये बटन दिया हुआ इंस्टॉल का, अगर आप इस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थीम इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आप सीधे सीधे लुक एंड फील को देख के इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पर भी इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थीम जो है वो बहुत ही इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। और एक और चीज़ कि आप सर्च भी कर सकते हैं, सपोज दैट अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए थीम इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर ये सर्च दिया हुआ है। सर्च के अंदर आप सपोज दैट मैं यहाँ पर ब्लॉग लिखता हूँ तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितनी भी थीम्स हैं वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके आ जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर सपोज दैट न्यूज़ लिखता हूँ तो न्यूज़ से रिलेटेड थीम्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको एक न्यूज़ की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप, या न्यूज़ का ब्लॉग क्रिएट करना है तो उसके लिए जो है थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे ही आप ई कॉमर्स को अगर यहाँ पर टाइप करेंगे, या जो भी पर्पस आपका है, कहने का मतलब जो भी आपका एक पर्पस है उस पर्पस के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं ब्यूटीफुल थीम्स, और उन थीम्स को आप बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्री थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये अपन यहाँ पर सीख लेते हैं। जस्ट सपोज दैट मुझे ये थीम इंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये थीम जैसे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, एंड देन इंस्टॉल फिनिश्ड, बस इतना ही करना है और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो है थीम इंस्टॉल हो गई है और ये जो है एक्टिवेट भी हो गई है। तो इसको चेक कर लेते हैं फ्रंट एंड पे वेबसाइट के। ये जो है मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो जो हमने नई थीम इंस्टॉल की है उसका लुक एंड फील यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए पूरा लुक एंड फील पूरा चेंज हो गया है, ये डिज़ाइन जो है वो पूरी चेंज हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनका स्लाइडर भी जो है वो भी ऑटोमेटिक बना हुआ आ गया, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ये यहाँ पर पूरा सर्च बार आ गया है और ये सिंपल पेज एंड देन ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है एक फ्री थीम को इंस्टॉल करने का एक तरीका है। प्रीमियम थीम अगर आप कहीं से ख़रीदते हैं तो उसको इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ फ्रीज में से चूज़ करके आपने इंस्टॉल कर दी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे ही अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो चूज़ फाइल का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको फाइल चूज़ करनी है। मैं ने कुछ प्रीमियम थीम मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं।
जो भी थीम हम परचेज करते हैं उसकी एक zip फाइल जो है उसके साथ में आती है, और उस फाइल को हमें जस्ट यहाँ से चूज करना होता है, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर, मैं इस फाइल को चूज करूँगा, ये फाइल चूज हो गई है, एंड देन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। दोस्तों जैसे ही हमारी थीम इंस्टॉल हो जाती है तो यहाँ पर थीम्स के अंदर वो शो होना शुरू हो जाती है, जैसे कि ये यहाँ पर शो हो रही है, एंड देन हम उसको एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो जो भी थीम हमने मैन्युअली इंस्टॉल की है प्रीमियम थीम वो एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीका है जो है कि सी पैनल पे हम अपलोड डायरेक्टली भी थीम को कर सकते हैं। और अगर सी पैनल से डायरेक्टली हमें थीम को अपलोड करनी है तो उसका तरीका है, हम फाइल मैनेजर पर जाएंगे, और फाइल मैनेजर के अंदर जो है हम अपने रूट फोल्डर में जाएंगे पब्लिक डाटा एचटीएमएल के अंदर, उसके अंदर जो है आप यहाँ पर कुछ फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, उसमें है डब्ल्यू पी कंटेंट, ये वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। इसके अंदर थीम नाम का एक फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे, सेम एज जैसे कि हम कंप्यूटर पे कॉपी पेस्ट करते हैं सेम एज वैसे ही यहाँ पर करना है, यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये हम थीम वाले फोल्डर में आ गए हैं, जस्ट अपलोड का एक बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है सी पैनल पे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट फाइल करेंगे, और ये जैसे प्रीमियम थीम अगर आपके पास है तो उसकी जिप फाइल होती है, जिप फाइल को मैंने यहाँ से ओपन किया और यहाँ पर ये अपलोड करना शुरू कर दिया। ये अपलोड फिनिश हो गया है, गो बैक। यहाँ पर देखिए zip फाइल जो है हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, और इस zip फाइल को यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसको अनजिप करना है। अनजिप करेंगे तो ये मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, और ये यहाँ पर जो एक एक्सट्रैक्ट का बटन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पर, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, तो मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता हूँ। तो ये जो है फाइल अनजिप हो चुकी है, जस्ट क्लोज पे क्लिक करेंगे, देन इसको गो पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक नया फोल्डर जो ये यहाँ पर जो थीम है इसी के नाम से एक फोल्डर यहाँ पर नया बन गया है, मतलब एक नई थीम आ गई है। चलिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि इसमें जो है नई थीम आई है कि नहीं आई है। थीम्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये जो नई थीम जो हमने सी पैनल के थ्रू अपलोड की है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगी है। जस्ट इसके एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारी ये वाली जो थीम है ये एक्टिवेट हो चुकी है। अभी जब वापस थीम पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये थीम जो है एक्टिव थीम के रूप में दिखने लगेगी। अभी जैसे हम फिर से हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो इसका लुक एंड फील जो है वो इस थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये तीन ही तरीके होते हैं जिस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर थीम अपलोड करते हैं या थीम इंस्टॉल करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में जब हम थीम को चूज़ कर लेते हैं तो अब जो है हमें थीम को डिज़ाइन करना होता है, पूरी वेबसाइट के एक्चुअल लुक एंड फील को बेटर और बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए, और उसके अलावा हमें पेजेस क्रिएट करने होते हैं, पोस्ट क्रिएट करने होते हैं, हमें कुछ प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करने होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया को टेक्निकली एम्पावर करने के लिए आपको मेरे इस मिशन में मेरा साथ देना होगा, चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी में सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।